अरे कैसा गया लौंडो पेपर? आज तो सबने टॉप मारा है। मेरा तो आज के पेपर सबसे अच्छा गया। और टॉपर ही हैं एनवायरमेंटल के, एमसीक्यू के टॉपर। हां हां डैसी यार, अबे चीची गड्ढा है अरसे तो नहीं यार। कैसे हम सब लोग? होप करता हम लोग सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। बाकी अभी टाइम हो रहा है 9:45 और आज मेरा है लास्ट एग्ज़ाम, और लास्ट एग्ज़ाम मेरा आज EVS का। तो आज उतना कुछ हार्ड पेपर है नहीं, तो इजी पेपर और ऊपर से MCQ हैं, तो फिर पहले का चौथा, चौथे का दूसरा आराम से हो जाएगा पेपर। तो पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लास्ट एग्ज़ाम के दिन अपना GoPro ले जाऊंगा और ब्लॉगिंग करूंगा, तो आज फुल ऑन ब्लॉगिंग करी जाएगी कॉलेज में। बाकी आज अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलाऊंगा आपको। वैसे मैंने मिला दिया है हर्षित के बर्थडे के दिन और मेरे बर्थडे के दिन जो हमने साथ पार्टी कराई थी, लेकिन आज फिर से मिलाएंगे और कॉलेज का भी आपको दिखा देंगे। वैसे ज़्यादातर लोगों ने कॉलेज देखा ही होगा क्योंकि आज से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे हल्द्वानी के ही हैं। हाँ, जो बाहर के थोड़े बहुत हैं, मतलब कि यहाँ हल्द्वानी से बाहर के, तो उनको भी आज कॉलेज दिखा देंगे थोड़ा बहुत। बाकी कल भी मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने कल ब्लॉग शूट कुछ नहीं किया क्योंकि कल थोड़ा टफ पेपर था, तो मैं उसके लिए पढ़ाई कर रहा था। बाकी अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और आज वैसे एग्ज़ाम मेरा लेट है, 2 बजे से है, लेकिन घर से मैं 12:45 या 1 o'clock पर निकल लूँगा क्योंकि थोड़ा जल्दी चले जाएंगे तो थोड़ा ब्लॉगिंग हो जाएगी। वहाँ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, कि वैसे तो इजी आज चीज़ें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करना जरूरी है कि चीटिंग कैसे करेंगे मतलब कि पेपर कैसे करेंगे। तो अभी पहले मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 1:10 और पवन भी आ चुका है लेने, तो अभी चलते हैं कॉलेज को। बड़ा बड़ा तो कुछ है नहीं आज, लेकिन एग्ज़ाम देने जाना ही है तो चलते हैं अभी कॉलेज को। बाकी पवन एक बार सब हेलो कर दो। जोर से बोल हेलो। यस हेलो। सो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं कॉलेज और अभी हमारे संग है पंकज भाई, कमल ब्रो और यहाँ हमारे साथी सभी। सो हेलो 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 गॉड रुपू हेलो। सो गाइस, अभी हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर। हमारे कैसा गया लौंडो पेपर? आज तो सबने टॉप मारा है, मतलब हर्षित मेरा तो आज के पेपर सबसे अच्छा गया। और टॉपर ही हैं एनवायरमेंटल के, एमसीक्यू के टॉपर हमारे। सो गाइस, पेपर तो काफी अच्छा गया। बाकी अभी टाइम हो चुका है 4:10 से 4:15। बाकी अजय भाई पेपर कैसा गया? बढ़िया गया। रुपू भाई तुम्हारा पेपर में ध्यान किसका था? भाई रुद्रपुर से यहाँ आता है पढ़ने में का। भाई की देखो डेडिकेशन लेवल, देखो भाई का रुद्रपुर से यहाँ महंगा डेली। अभी हमें कॉलेज के ग्राउंड में, बाकी इधर ये है बॉयज हॉस्टल और इधर गर्ल्स हॉस्टल, ये है अपने कॉलेज के ग्राउंड और इधर की साइड अपना डिपार्टमेंट है। बाकी इधर साइड सामने HM का डिपार्टमेंट है और उस बिल्डिंग के उधर पार BEd का डिपार्टमेंट है, BPharma का डिपार्टमेंट है। बाकी मतलब पूरे कॉलेज का टूर तो मैं करा नहीं सकता था, आज लास्ट दिन था कॉलेज का, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। बाकी हमारे ग्रुप के ये हैं AJ भाई, ये मतलब काफ़ी शांत हैं, मतलब इनको इस चीज़ से जान सकते हैं। और एक ये है, ये हमें सबने चलाने की सोचता है, हर्षित जोशी उर्फ अरुआ। ये है पवन रावत, बहुत अच्छी बास्केटबॉल खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं लेकिन। और रुपू भाई शूटर। हिमांशु भाई व्लॉगिंग छोड़ दो यार तुम और छोड़ देंगे। और हमारा हॉकी प्लेयर है, पूर्व हॉकी प्लेयर ध्यान जंक्शन खेल चुके हैं जो हिमांशु बिस्ट। ओए पता को मक्कड़ हिमांशु। ये है नीरज रावत, ये पहले बहुत नशा पता करते थे लेकिन अब सुधर चुके हैं जब से हमारे संगति में आया तब से, मतलब थोड़ा। बाकी मिस्टर फ्रेशर भी रह चुके हैं और मिस्टर फेयरवेल भी बनने वाले बार है। अभी क्रिकेट का नशा है, अभी नहीं क्रिकेट का नशा है। तो गाइस, अभी हमारा फोटो सेशन चल रहा था लेकिन मैं इनको पागल बना के वीडियो बना रहा हूँ। ये है हमारे सभी धुरंधर, ये सारे के सारे मिलके पागल बना रहे हैं हमें, हॉस्टल के बच्चे। सो गाइस, अभी हम थोड़ा ग्राउंड में आए हैं। बाकी अभी नीरू की बैटिंग देख के हम थोड़ा, अब नीरू करा रहा है बॉल यहाँ पर, दिखा ब्लॉग चल रहा है, तेरी बेइज्जती ना हो इसलिए देख के कराना बॉल। कौन सी बॉलिंग करा रहा है तू? स्पिन फास्ट, मीडियम फास्ट है नीरू? ये आ गए हैं बॉलर नीरज रावत। ओहो, काफ़ी बेहतरीन बॉल थी लेकिन गड्ढा बॉल उठा। इधर आप छोड़ दे, मैं कराऊंगा बॉल। ओ हाँ हाँ डैसी यार, गड्ढा है अरसे तो नहीं यार। बहाने मत मारो, इधर हटो यहाँ से। अबे यार, अबे नहीं यार, अबे जितना रन पे भाई। अभी एग्जाम दे के बाहर आ चुके हैं कॉलेज के बाहर, बाकी पूरी पार्किंग खाली हो चुकी है, मतलब काफ़ी लेट थे हम क्योंकि यार लास्ट दिन था कॉलेज का, तो थोड़ा टाइम स्पेंड किया कॉलेज के अंदर ही। ये भी चलते हैं घर को, अभी चार ही जने हैं, बाकी सब चले गए घर को, पंकज में हर्षित और पवन, तो अभी चलते हैं। सो गाइस, मैं फाइनली घर पहुँच चुका हूँ, अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 5। वैसे पेपर 4 बजे छूट गया था लेकिन थोड़ा दोस्तों के संग बात करने में थोड़ा टाइम स्पेंड किया तो तब
लेट ही हो गई, तो अब थोड़ा घर का काम वाम है वो निपटा लेता हूँ, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30, तो अभी थोड़ा मैं और जो ऐसे ही घूमने निकले हैं, हमने थोड़ा अभी कहीं गए हुए थे कुछ काम से, तो काम वाम निपटा लिया है, अभी थोड़ा घूम लेते हैं आजकल क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जा रहा है, तो अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे घर को। और घर में काम वाम भी चल रहा है, तो अभी इसका थोड़ा एक तो काम है वो भी निपटाने हैं, पहले भी काम था तो वो भी निपटा लिया है, और अभी थोड़ा ऐसे घूम ले रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से घूमे भी नहीं है, तो फिर इसका चलते हैं घर को, देखते हैं क्या सीन शॉट है। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8, तो कल रात को मैंने ब्लॉग शूट कुछ किया नहीं, थोड़ा बहुत काम था और परसों रात को सोया भी नहीं था, तो इसलिए रेस्ट कर रहा था। और अभी मेरा हो चुका है योगा क्लासेस का टाइम, बहुत दिनों से योगा क्लासेस भी नहीं गया हूँ क्योंकि घर में काम वाम भी चला था और मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो इसलिए मेरे योगा क्लासेस रोज़ स्किप होते जाते स्किप होते जाती, लेकिन आज से मैं रेगुलर जाऊँगा, अगर सुबह नहीं जा पाया तो फिर शाम के टाइम जाऊँगा, मतलब एक रूटीन बनाना है। मैंने 10-15 दिन स्किप किया है योगा, तो मेरे थोड़ी बैक में प्रॉब्लम आने लग गई है, तो इसलिए अब रेगुलर ही जाऊँगा। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको डायरेक्ट योगा क्लासेस में। सो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं अपने योगा क्लासेस में और अभी करते हैं एक्सरसाइज शुरू। मतलब अभी धूप बड़ी अच्छी पड़ रही है, मतलब काफ़ी ठंडा हो रहा है ना सुबह, तो शाम भी पड़ रही तो अच्छा लग रहा है, सुबह की धूप दिन की धूप नहीं। हमारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, तो अभी चलते हैं घर को। और आज पहला दिन था इसलिए ज़्यादा एक्सरसाइज करी नहीं क्योंकि स्ट्रेस पड़ जाता बॉडी में, इसलिए ज़्यादा एक्सरसाइज करी नहीं, तो पहला दिन था करके। अब कल से रेगुलर आएंगे और कोशिश करूँगा कि सुबह ना आ पाऊँ तो शाम को आऊँ, अगर शाम को ना पाऊँ तो सुबह आऊँ, मतलब कि एक टाइम आना ही आना है। बाकी अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 10:10 हो चुका है, तो अभी चलते हैं घर को क्योंकि लेट बहुत हो चुकी है, घर में काम वाम भी चल रहा है तो वो भी देखना है। और मेरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी है मैंने, क्योंकि मेरी पहले वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर ने कैंसिल कर दी है, तो बनानी है। बाकी देख सकते हैं आप यहाँ का इंटीरियर। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और अभी मेरे को वीडियो अपलोड करनी है 7 बजे, तो मैं अभी आया हूँ भाई की कोचिंग पे और वीडियो अपलोड पर लगा दी मैंने, बस थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगी फिर चल दूँगा घर को। और मैं अभी दिन में मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि 2-3 घर के काम थे, मैं थोड़ा मार्केट वार्केट गया था, तो बाकी अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, और होप करता हूँ कि आपको मेरे डेली ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। और आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं मेरे डेली ब्लॉग्स को, तो ऐसे ही प्यार देते रहिएगा क्योंकि आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो पूरा जहाँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 8, तो अभी मैंने डिनर कर लिया है, तो ऐसे ही थोड़ा घूमने निकला था, तो यहीं पर एंड अप करते हैं ब्लॉग को। होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो सब्सक्राइब करें भी नहीं मचाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।